शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री और अन्य विधायकों ने तपोवन विधानसभा परिसर में पौधे रोपकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। ओमिक्रॉन से निपटने के लिए सरकार ने पूरी तैयारी की है। इस मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि धर्मशाला विधानसभा परिसर पहले से ही काफी स्वच्छ और सुंदर है। आज परिसर में और अधिक पौधे रोपे गए हैं, जिससे पर्यावरण और भी स्वच्छ हो जाएगा। वहीं देश में बढ़ते ओमिक्रॉन के मामलों को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार अलर्ट पर है। सरकार ने कोविड में भी अच्छे से प्रबंधन किया था और ओमिक्रॉन से निपटने के लिए सरकार ने पूरी तैयारी की है। महत्वपूर्ण है पौधारोपण का। मुझे इस बात को लेकर के प्रसन्नता है कि विधानसभा के सम्माननीय अध्यक्ष जी ने यहाँ इस कैंपस को पर्यावरण के लिए बहुत अनुकूल बना रखा है, बहुत अच्छा बना रखा है। और इसमें और एडिशन करने के लिए आज जो प्लांटेशन की है, उसे मैं समझता हूँ कि अलग अलग वैरायटीज के जो प्लांट्स यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, जिसके कारण और भी यहाँ सुंदरता भी बढ़ेगी और पर्यावरण को भी और ज्यादा मजबूती मिलेगी। सर, ओमिक्रॉन को लेकर भी धीरे धीरे फैल रहा है, का ये जो नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, चिंतित तो सभी लोग हैं इसमें, पूरी दुनिया में, देश में भी। जहां तक अगर प्रदेश की अगर बात कह रहे हैं तो हम भी सब लोग चिंतित हैं सारे विषय को लेकर के, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी ये माना जा रहा है कि ये वेरियंट जो है, जो डेल्टा वेरियंट था, उससे ज्यादा खतरनाक नहीं है। संक्रमण की दृष्टि से इसको बारे में कहा गया है कि ये स्प्रेड इसका फास्ट है भले ही, लेकिन अभी तक जो जानकारी हमको हासिल हुई, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जहाँ तैयारियों की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में हमारी तैयारियां बहुत अच्छी हैं और कोविड के सारे इसको हमने मैनेज किया है, पहले से किया है, और आने वाले समय में भी अगर इस तरह की अगर सिचुएशन आती है तो सरकार की ओर से कोई कमी नहीं है तैयारियों में। भोले बाबा जी का संदेश सब हिमाचल वासियों के लिए, यहाँ सुख समृद्धि रहे, शांति रहे, हम सब लोग प्रगति करते हुए स्वयं भी आगे बढ़ें, प्रदेश को भी आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। और सबसे बड़ी बात तो मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि काशी की काया पलट हो गई, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन धार्मिक दृष्टि से तो पहले था ही था, लेकिन अब वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में भी वहां पर, जो वहां पर गंगा आरती का नजारा देखने को मिलता है शाम के समय, और उसके साथ साथ में गंगा, साफ सुथरी गंगा, और उसके बाद जो घाटों का जो निर्माण वहां पर हुआ है, जो जिस प्रकार से पहले की स्थिति होती है, आज की स्थिति और उस स्थिति पर रात दिन का अंतर है, बहुत बड़ा, बहुत जबरदस्त डेवलपमेंट वहां पर काशी में हुआ है, बनारस में। और उसमें प्रधानमंत्री जी का अपना लोकसभा क्षेत्र भी है वो, और स्वाभाविक रूप से ये पूरे दुनिया के लिए एक बहुत बड़े अट्रैक्शन का और श्रद्धा का केंद्र बना है। चले हिमाचल प्लस न्यूज के लिए शिमला से पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट।